नमस्कार, आप देशवा न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राजनंदनी। देखिए, आए दिन क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं, अपराधियों की हिम्मत बढ़ते ही जा रही है। ऐसी ही एक खबर हम आपके लिए लाए हैं गोपालगंज से। देखिए, गोपालगंज बरौली थाना क्षेत्र से साइबर क्राइम की एक खबर घटना सामने आ रही है, जिसमें कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी और जब उस गुप्त सूचना के अनुसार पुलिस ने काम किया तो उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल बात यह हुई कि पुलिस कर्मियों को एसपी को गुप्त जानकारी हुई इस घटना के बारे में एक मकान में कि साइबर क्राइम वहां पे चल रहा है। जब पुलिस वहां पे गई तो उन्हें पता चला कि सच में साइबर क्राइम चल रहा था और वहां से कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल वो पुलिस के हिरासत में है। आपको बता दें कि जो अपराधी थे उनके पास से कई ऐसे चीज बरामद हुए हैं जो गैर कानूनी है। आपको बता दें कि जनता को मूर्ख कर रहे थे, जनता के पैसे को वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। उनके पास से कुछ ऐसे चीज बरामद हुए हैं जैसे कि एटीएम कार्ड, लैपटॉप, मोबाइल फोन, सिम कार्ड। इतना ही नहीं, उनके पास से कुल 11 इंडियन सिम, 2 इंटरनेशनल सिम और 5 और सिम बरामद हुए। देखिए किस तरीके से इनकी जो हिम्मत है वो बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में कानून को ध्यान देने की ज़रूरत है। जब पुलिस को इसकी जानकारी पड़ी, पता चली, पुलिस ने तुरंत ही उनको अपने हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि जो 6 अपराधी पुलिस के हिरासत में हैं, उसमें से 6 अपराधियों में से कुल 3 अपराधी गोपालगंज के हैं और जो 3 अपराधी हैं वो सिवान के हैं। देखिए किस तरीके से जो अपराधी है, जो क्राइमर्स है, उन्हें बढ़ावा मिल रहा है, उनके मन को बढ़ावा मिल रहा है। हम आपको बता दें कि ये अपराधी से जब पूछताछ की गई, एसपी जो वहां थाना क्षेत्र बलौरी के थाना क्षेत्र के जो एसपी थे, उन्होंने जब अपराधियों से पूछताछ की, उन्होंने बताया कि वो ऑनलाइन गेमिंग में भी इंडल्ज हैं और इसी के तरीके से वो आम जनता को ठगने की कोशिश करते हैं। पुलिस के द्वारा साइबर अपराधियों पर एक बार फिर से बड़ी कड़ी कार्रवाई की गई है और इसमें कुल 6 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें से 3 साइबर अपराधी गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं और 3 साइबर अपराधी जो है सिवान जिले के रहने वाले हैं और इनसे पूछताछ पुलिस ने किया है और पूछताछ में उन्होंने बताया है कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप के सहारे ये भोली भाली जनता को स्कैम करते थे, उन्हें धोखे में लेकर अपने जाल में फंसा कर उनसे धोखाधड़ी कर उनके पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कराते थे। इनके पास से काफ़ी भारी संख्या में मोबाइल, लैपटॉप और एटीएम कार्ड इत्यादि बरामद किए गए हैं और इनके पास से करीब 4 लैपटॉप, 18 मोबाइल सेट और एटीएम कार्ड्स और भारी संख्या में सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। इनसे पूछताछ किया गया है। इनके गिरोह में शामिल और भी जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है। इनका अपराधी के इतिहास अभी खंगाला जा रहा है। ये पूर्व से भी साइबर अपराध की दुनिया में सक्रिय रहे हैं। इनका अपराधी के इतिहास होगा, इसको खंगाला जा रहा है पुलिस के द्वारा। पुलिस टीम को इसमें नकद राशि से पुरस्कृत किया जाएगा प्रशस्ति पत्र के माध्यम से। तो आपने देखा किस तरीके से जब एसपी से पूछताछ की गई, उन्होंने क्या कुछ कहा, कैसे ये पूरा मामला हुआ और किस तरीके से अपराधियों को अपने हिरासत में लिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे देशवा न्यूज़। मैं राजनंदिनी, धन्यवाद।